हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप बीएमएस करने के बाद कर सकते हैं और जिन्हें करके आप अपने करियर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। तो आज हम लोग जिस कोर्स के बारे में बात करेंगे वो है MPH यानी कि मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसके साथ साथ मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में बताऊँगी जो कि BAMS, BUMS, BHMS आदि स्टूडेंट्स के लिए निकली है। साथ ही साथ एक वैकेंसी है जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो अब हम बात करते हैं MPH यानी कि मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ की। MPH एक 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसे 6-6 महीने के 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, इसे समझने के लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि पब्लिक हेल्थ यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है। पब्लिक हेल्थ या सार्वजनिक स्वास्थ्य का सीधा सा सिंपल सा मतलब है वो सारे मेथड्स, प्लान्स और पॉलिसीज जिनका यूज़ करके हम बीमारी को होने से रोकते हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, लाइफ लॉन्गिविटी यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को होने से रोकते हैं, पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन को प्रमोट करते हैं। और ये सारे काम हम डिफरेंट NGOs, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तथा रिसर्च सेंटर्स की हेल्प से करते हैं। तो ये सारे एम या ये सारी चीज़ें हम कैसे पूरी कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हमें पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई जाती हैं। मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ में हम पढ़ते हैं पब्लिक हेल्थ और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, बेसिक्स ऑफ डेंटल हेल्थ के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में यानी कैसे हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ हम लोग पढ़ते हैं PHC, CHC आदि के बारे में और कैसे इनके थ्रू हम लोग गांव के दूर दराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचा सकते हैं, ये भी हम इसमें समझते हैं। इसके साथ हम लोग इसमें पढ़ते हैं ग्लोबल हेल्थ के बारे में और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के बारे में जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे कि WHO, यूनिसेफ आदि। इसके साथ ही साथ हम इसमें पढ़ते हैं डेटा के बारे में, टाइप्स ऑफ डेटा, कलेक्शन मेथड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और कैसे हम इससे रिजल्ट ड्रॉ करके उसका यूज अपनी पॉलिसीज के फॉर्मेशन में करते हैं इसके बारे में। हम इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में। हमें इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ना होता है। इसके साथ ही साथ हम इसमें पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में और कैसे टाइमली इंटरवेंशन करके हम बीमारी को एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक में बदलने से रोक सकते हैं उसके बारे में। तो ये एक ओवरव्यू था पूरे MPH का जो कि मैंने अभी आपको दिया। तो जैसा कि आपको फील हो रहा होगा कि जो MPH में सब्जेक्ट्स हैं या जो इसका सिलेबस है वो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता सिलेबस हम अपने स्वस्थ व्रत में पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो MPH यानी कि पब्लिक हेल्थ का एम है वही आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन भी है यानी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणा यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा बीमारी को उस व्यक्ति में होने से रोकना, यही कहीं ना कहीं MPH का भी एक कोर प्रिंसिपल है। लेकिन जो एक बेसिक डिफरेंस है आयुर्वेद और MPH के बीच में वो ये है कि आयुर्वेद में हम एक इंडिविजुअल पेशेंट की इंडिविजुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं जबकि MPH में हम एक लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। आयुर्वेद में हम व्यक्ति विशेष की दोष, धातु, प्रकृति आदि का निर्धारण करके उसके हिसाब से उसमें जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान है वो करते हैं। लेकिन MPH में हम एक लार्ज पॉपुलेशन में क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या क्या उनमें डिफरेंट उनकी नीड्स हैं उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज को, अपने प्रोग्राम्स को फॉर्म करते हैं ताकि वो एक लार्ज पॉपुलेशन को कैटर कर सकें। तो ये था MPH के बारे में एक पूरा ओवरव्यू।
अब इसका स्कोप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही साथ इसमें डिफरेंट कॉलेजेस कौन से हैं जो कि MPH कोर्स ऑफर करते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आज मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगी, तो ये वैकेंसी बिहार के मुजफ्फरनगर में निकली है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल में। लगभग 16 पोस्ट्स हैं जो कि BMS, BHMS, BUMS और MPH स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।